The topic for session is modern techniques for sustainable growth of Mithai and Namkeen industry. People to please come on the dais. Session chair, Baiju Bhai Mehta, you please remain on the dais. And I request the following speakers, Mr. Bharat Patel, CEO Message Group, Mr. Ritesh Dhingra, MD Multi VAC, Larau India Private Limited, and Mr. Vijay Gupta, founder Asia Pulp Powers Private Limited, to please join us on the dais. मैं इन लोगों से बात चालू करूं उसके पहले पाँच मिनट थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन का. जिसे अब हम ही सीईओ साहब ने बताया, बहुत शॉकिंग है सुनना, पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस इन वर्ल्ड इज लॉस्ट और वेस्टेज. इसके तीन कारण हैं, एनवायरमेंटल लॉस है, जो फूड वेस्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी हुई है उसको हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे. सोशल लॉस, माल नरिश एंड हंगर मीन्स कुपोषता एंड भूखमरी की पोजीशन है अभी. इकोनॉमी लॉस, हर साल जो फूड वेस्ट होता है उसकी वैल्यू है $900 बिलियन, $900 बिलियन. 2017 में जो इंडिया का यूनियन बजट था $300 बिलियन, मीन्स इंडिया का जो यूनियन बजट है उससे 3 गरा फूड वेस्ट वर्ल्ड में होता है. एंशियंट लोग पहले शिकार करते थे, जो नेचुरली गिनरी मिलते थे वो खाते थे, फिर उसमें तकलीफ होने लगी, जो चाहिए वो मिलता नहीं था, उस वजह से एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट हुआ. पर उस टाइम लोगों को फार्म आसपास रहते थे, अब फार्मिंग कहीं और होती है, लोग कहीं और रहते हैं, प्रॉब्लम वही है, जो चाहिए वो मिलता नहीं है. इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग अब नीड हो गई है. कंज्यूमर की आदत चेंज हो गई है, उनको कन्वीनियंस वाला, सेफ्टी वाला, लंबी सेल्फ लाइफ वाला फूड पसंद है. फैमिली अब न्यूक्लियर हो गई है, जॉइंट फैमिली में रहने की ट्रेडिशनल वाले हमारे देश में 4 लोग या उससे भी छोटी फैमिली हो, ऐसी फैमिली 60% से भी ज़्यादा है. हमारी एथनिक प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है और उसे बनाने की स्किल भी अभी कम हो रही है. न्यूक्लियर फैमिली के बाद अब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल फूड से हम दूर हो रहे हैं. प्रोटेक्ट अवर कल्चर, प्रोटेक्ट अवर फूड. अगर हमारा फूड चेंज हो जाएगा तो हमारा कल्चर बदल जाएगा. कहवाता है जैसा खाना वैसी सोच. अगर हमारा कल्चर बनाए रखना है तो हमारे को फूड को प्रोटेक्ट करना रहेगा. अवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल. हमारे जितने फेस्टिवल कोई दूसरे कंट्री में नहीं है. फेस्टिवल की डिमांड अलग ही है, उसके कारण मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में बहुत गैप आ रही है. प्रिजर्वेशन टेक्निक एडॉप्ट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है. फेस्टिवल में सप्लाई कम होने के कारण लोग मिलावट वाली हल्की क्वालिटी बनाने के लिए आकर्षित होते हैं. मिठाई नमकीन का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो बात आज सुबह में भी बताई गई, हमारे पौराणिक ग्रंथ में भी क्या उसका उल्लेख है. पर उसका कॉमर्शियल बिजनेस स्टार्ट हुआ अभी 200 साल भी नहीं हुआ. पहले लोग अपने हाथों से घरों में मिठाई व्यंजन सब बनाते थे. उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिठाई नमकीन की भी कभी दुकानें होगी. अभी भी हम सोच रहे हैं कि रोटी पराठा घर में ही बनाना चाहिए, पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो भी बनाने का टाइम कम होता जाएगा और जो मिलता है तैयार वो लोग यूज़ करने लगेंगे. अगर घर में बन रही है उससे भी अच्छी सेल्फ लाइफ वाली रोटी पराठा मार्केट में इजीली मिलने लगे तो लोग उसे भी यूज़ करेंगे. मार्केट का ट्रेंड अब पैकेज प्रोडक्ट पर जा रहा है, उसके लिए विनिंग फॉर्मूला है ट्रेडिशनल रेसिपी एडवांस टेक्नोलॉजी, तभी हम हमारी एथनिक प्रोडक्ट को आज की लाइफ में दे पाएंगे. और उसके लिए आज हमारे साथ है मिस्टर रितेश धिंगरा और मिस्टर विजय गुप्ता. तो आओ उनसे बात करते हैं. क्या लगता है आपको, क्या पोजीशन है छोटे बड़े नमकीन और मिठाई मैन्युफैक्चर की और क्या हर्डल है उनको, आप बताइए रितेश जी. सो नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून आप सबको. एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा अपने बारे में. मेरा नाम रितेश ढिंगरा है और मैं एक कंपनी मल्टीवैक
जो एक जर्मन कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है फॉर पैकेजिंग मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उसके लिए काम करता हूँ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश रीजन्स के लिए. हमारी फोकस रहता है वैक्यूम पैकेजिंग और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के ऊपर, ताकि हमारे इंडस्ट्री के जो मिठाई और नमकीन वाले हैं उनको हम सपोर्ट कर पाए इस अभियान में कि सेफ फूड पे काम किया जाए और अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया लेके जाए. मेरे को आज मल्टिया के साथ ऑलमोस्ट 15 साल हो गए काम करते हुए, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज फेडरेशन ने हम सबको इनवाइट किया इस मंच पे आप सबके सामने बैठ के अपना डिबेट करने के लिए, और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए. बैजू भाई इज़ एक पायनियर है इस अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर. तो थैंक यू बैजू भाई कि आपने इस सेशन को चेयर कर रहे हैं. जो प्रश्न है बैजू भाई का वो है कि क्या हर्डल्स है आज मिठाई और नमकीन सेक्टर में. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हर्डल जो है इस चेंज ऑफ मेंटालिटी एंड अडॉप्शन वेरी गुड ऑफ टेक्नोलॉजीज. हम बड़े मिठाई और नमकीन दिग्गज कंपनीज और लोगों से मिलते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, बट ये सच नहीं है. क्यों मैं कहता हूँ कि सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके प्रोसेस से होती है, आपके प्रोडक्ट से होती है, हाइजीन से होती है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है. उसके बाद जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना हाइजीनिक बनाएंगे, फिर हम टेक्नोलॉजी की सहायता लेके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हर्डल वही है कि कस्टमर्स में आज ये जागरूकता आए कि हाइजीन क्या होता है और प्रोडक्ट के ऊपर काम करें. और ये अगर जब वो हम एक्सपीरियंस अपना शेयर करके सबको समझाएंगे और काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हर्डल हम साथ मिलके एज ए इंडस्ट्री इसको ओवरकम कर सकते हैं. वेरी गुड. विजय भाई आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए. नमस्कार, मेरा नाम विजय गुप्ता है. हमारी कंपनी एशिया पल्प एंड पेपर्स पेपर पैकेजिंग और पेपर पैकेजिंग में यूज़ होने वाले पेपर्स में काम करती है. आज काफ़ी फूड इंडस्ट्री को प्लास्टिक बैन या प्लास्टिक के यूज़ की रिस्ट्रिक्शन के कारण कंसर्न है कि क्या अल्टरनेटिव पैकेजिंग वो यूज़ कर पाएंगे फूड पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए. तो उसकी तरफ कुछ सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. पैकेजिंग में कई अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं. सबसे बड़ा आज मटेरियल प्लास्टिक है. दुनिया की पैकेजिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है. प्लास्टिक का शेयर 400 बिलियन प्लस है. सेकेंड लार्जेस्ट शेयर पेपर का है. पेपर 300 बिलियन प्लस है. उसके बाद मेटल्स है करीबन 150 बिलियन, फिर ग्लास है और फिर अदर कंपोनेंट्स है. पैकेजिंग एंड फूड बहुत सारी नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ है. नॉर्मल प्रोडक्ट के पैकेजिंग में हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि हमें प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है ट्रांजिट में या ट्रांसपोर्टेशन में, और मैन्युफैक्चरर से चैनल के थ्रू जाते हुए कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सुरक्षित पहुंचे. फूड के अंदर बहुत नई वेरिएबल्स आ जाती है. फूड में आप लिक्विड फूड्स यूज़ कर रहे हैं, ऑयली फूड्स यूज़ कर रहे हैं, ड्राई फूड्स यूज़ कर रहे हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है. आप उस फूड को हॉट है या कोल्ड है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है. उसकी प्रिजर्वेशन रीफर में हो रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है. उसकी ट्रांसपोर्टेशन अगर रीफर वैन्स में हो रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है. प्लास्टिक एक तरह का वंडर मटेरियल माना जाता था कि इनहेरेंटली उसमें कई इस तरह की बैरियर प्रॉपर्टीज़ थी, लिक्विड होल्डिंग प्रॉपर्टीज़ थी, और वो इन कई चीज़ों को नेचुरली
मीट कर पाता था. पेपर ये नहीं कर सकता है, पेपर की अपनी लिमिटेशंस है. बट इम्पॉर्टेंट ये है, कई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, वो कहते हैं नहीं पेपर काम नहीं करेगा. वो गलत है. इट इज़ नॉट के पेपर काम नहीं करेगा, बट रॉन्ग पेपर काम नहीं करेगा. सो जब आपको प्रोडक्ट को प्लास्टिक से हट के पेपर में पैक करना है, यू हैव टू बी क्लियर कि उसके पैकेजिंग के लिए कौन सा राइट पेपर है. अगर प्रोडक्ट सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी के पहले अगर हमारा पैकेजिंग ही फट जाएगा या पैकेजिंग ही बस्ट हो जाएगा या लीक हो जाएगा, तो फिर वो पैकेजिंग का पर्पस इनहेरेंट ही सर्व नहीं कर रहा है. बेसिकली हम सेफ्टी की जहाँ बात करते हैं, फूड में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज सुबह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं. तो आई वुड से अगर हम एक्रोनिम सेफेस्ट यूज़ करें, फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट पैकेजिंग की है कि इट हैज़ टू बी सेफ, द पैकेजिंग हैज़ टू बी सेफ एंड इट हैज़ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फूड दैट इज़ पैक्ड इन इट. माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट हम कहते हैं ए अफोर्डेबिलिटी. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. हम जो भी कहें वी कैन प्रोवाइड अ वंडर मटेरियल, बट इफ इट इज़ नॉट अफोर्डेबल उसकी मास यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती. सो इट हैज़ टू बी एन अफोर्डेबल सोल्यूशन. नेक्स्ट हम कहते हैं फंक्शनैलिटी. तो जैसे मैं कह रहा था, अगर हमारे पास लिक्विड है उसकी अलग फंक्शनैलिटी है, ड्राई की अलग है, तो हमें हमारे प्रोडक्ट की क्या फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है वह अगर हम पैकेजिंग कंपनी से करेक्टली स्पेसिफाई और शेयर कर पाए, तो दे मे बी एबल टू प्रोवाइड द राइट पैकेजिंग. नेक्स्ट ई ईज ऑफ यूज. ईज ऑफ यूज मैन्युफैक्चरर के लिए होना चाहिए जो प्रोडक्ट बना के पैक कर रहा है. ईज ऑफ यूज चैनल के लिए होना चाहिए जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, या जैसे आज काफ़ी फूड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो वहाँ यूज ईज होना चाहिए. एंड लास्टली ईज ऑफ यूज़ कंज्यूमर का होना चाहिए. जिसके पास वो पैकेट आया है, ही शुड नॉट फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इवन टू ओपन द पैकेज और कंज्यूम फूड फ्रॉम इट. नेक्स्ट वी कम टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, या हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं. तो द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सच दैट इट इज़ रिन्यूएबल, इट इज़ रिसाइक्लेबल. फॉर्चुनेटली पेपर इनहेरेंटली एक रिन्यूएबल प्रोडक्ट है. पेपर लिटरली ग्रोज ऑन ट्रीज. वी प्लांट ट्रीज, वी हार्वेस्ट ट्रीज, वी मेक पेपर फ्रॉम दैट. सो अनलाइक एनी अदर फाइनाइट रिसोर्स, दिस इज ऑलवेज going to be renewable and available. Paper is also very easily recyclable. Next is tech ready. Today बीच में हमें विजय भाई खाली इनको एक पूछना चाहता था बीच में कि क्या टेक्निक है कोई जो फूड प्रिजर्व कर सकने में उसका हम कोई बेनिफिट ले सकते हैं. जैसे तरह से बैरियर प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक की है, तो आगे जाके हो सकता है कि पेपर में भी हमको वो बैरियर प्रॉपर्टी मिल सके. अभी ये सब मार्केट में पैकेजिंग और जो प्रिजर्वेशन का है उसके लिए भी ज़रूरी है. और एक वैल्यू जो पेपर की है वो तो कभी नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो उसमें जो प्रेजेंटेशन मिलती है, उसमें जो एक एनवायरनमेंट का वो मिलता है वो भी उसमें मिलता है. कॉमर्शियल एंगल भी उसमें थोड़ा सा होता है, पर उसकी एक वैल्यू अच्छी लगती है. मैं थोड़ा पूछना चाहता था आपसे कि कौन सी प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो आप कुछ बता सकते हैं, जो मिठाई इंडस्ट्रीज़ अभी जो सफ़र हो रही है, जो उनका प्रोग्रेस आगे जाके बढ़े, उसमें आप अगर कुछ बता सके तो. पहले तो मैं गुप्ता जी के प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है अबाउट पेपर वर्सेस प्लास्टिक का है. मल्टीवैक, जस्ट एक दो मिनट उसके बारे में बोलूँगा. मल्टीवैक ने इस पर काफ़ी काम किया है. आज हमारे करीब 100 R&D इंजीनियर्स, वर्ल्ड की बेस्ट पॉलीमर मैन्युफैक्चरर्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स,
ब्रांड ओनर्स के साथ काम कर रहे हैं एंड ये एक दिशा है जहां हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री जा रही है कि प्लास्टिक से क्योंकि वो भी एक हर्डल है नेगेटिव इमेज है प्लास्टिक के ऊपर तो पेपर कम प्लास्टिक कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है यूरोप में यूएस में एंड आई एम श्योर कि इंडिया में भी आएगा कि बैरियर प्रॉपर्टी पेपर आएगा इंडिया में और अफोर्डेबिलिटी की बात है वो भी आई एम श्योर रीच होगा एक बार ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग बैजू सर ने जो अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी मैंने अपने पहले जवाब में कहा था कि अगर हाइजीन हो प्रोसेस कंट्रोल हो ये अपने आप में एक प्रिजर्वेशन है कि अगर आप पीएच लेवल ऑफ एट द टाइम ऑफ पैकिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके अलावा जो हम एज टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं वो है वैक्यूम या एमएपी टेक्नोलॉजी इसका मेन इम्पॉर्टेंस जैसे आप सब जानते हैं इस इंडस्ट्री से है कि ऑक्सीजन इज़ द किलर हमारे ह्यूमंस के लिए इट इज़ द लाइफ प्रोवाइडर बट लेकिन हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए इट इज़ द मोस्ट डेंजरस क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को प्रोग्रेस करता है और प्रोडक्ट ख़राब होता है तो हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कि मिठाई है कि नमकीन है गैस कॉम्बिनेशंस बहुत इफ़ेक्टिव हैं हमने आज देखा है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि दास पेड़ा वाला बैजू भाई की कंपनी जो है एक पाइनियर है इसमें काफ़ी काम किया है और हल्दीराम्स और जैसे बड़ी कंपनीज सर की जैसी इस पर काम कर चुकी हैं और सक्सेस पा चुकी हैं और वही है कि आप एयर को अंदर से निकालिए ऑक्सीजन को निकालिए रिप्लेस करिए गैसेस के साथ जो आपके प्रोडक्ट को ख़राब होने से रोकेंगी या स्लो डाउन करेंगी प्रोसेस को और ये एक प्रिजर्वेशन मेथड है यूजिंग टेक्नोलॉजी या मशीन्स कि आप प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं तो क्या उसमें आपको लगता है कि ये सब अफोर्डेबल है अभी जो मार्केट में छोटे प्लेयर से लेकर मिठाई के बड़े इंडस्ट्रीज तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं पर जो छोटे मोटे प्लेयर है हमारे तो उनके लिए ये टेक्निक वगैरह मशीन का ये सब आप क्या कहते हैं उसके लिए और कुछ है आइडिया बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया और इसका एक प्रमोटर और बिलीवर हूँ हम एज मल्टीवैक बिलीव करते हैं कि हम तभी वॉल्यूम्स रीच कर पाएंगे जब हम छोटे प्लेयर्स या स्टार्टअप्स को सर्विस कर पाएंगे आज से 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो सबसे छोटी मशीन भी जो एक काम कर पाती थी उसकी अफोर्डेबिलिटी शायद 1.25 करोड़ रुपए की थी आज अगर हम देखें वही कॉन्सेप्ट छोटे दायरे पे छोटी वॉल्यूम्स के लिए शायद 5 और 8 लाख में भी अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक्सेप्टेबल लिमिट है कि आप MAP को अपनाएं या वैक्यूम टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अपना ट्रायल्स करें और डेफिनेटली इससे कम अभी कॉन्सेप्ट नहीं अवेलेबल क्योंकि आपको साथ में गैस मिक्सचर्स एनालाइजर्स ये यूटिलिटीज़ भी होनी चाहिए और आई थिंक ये एक डेफिनेटली प्रमोटर होगा बिजनेस का कि आज अफोर्डेबल मशीन्स कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ ने टेक्नोलॉजी सेंटर्स पूरे इंडिया में लगाए हैं गुजरात में हमने दिल्ली में बॉम्बे में बेंगलोर में अलग अलग कंपनीज़ ने तो आई थिंक ये सब ज़रूर हेल्प करेंगी सर कि छोटे प्लेयर्स भी ट्रायल्स कर पाएँ और इसको अडॉप्ट कर पाएँ विजय भाई आप ये बताइए कि पेपर में जो हमने टेट्रा पैक वगैरह देखते हैं तो वो मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है पर बार पेपर जैसा दिखता है हमको तो वो क्या पेपर होती है सर इसमें पेपर में कई प्रॉपर्टीज़ जो इनहेरेंटली नहीं है उसको अचीव करने के लिए ट्रेडिशनली लोग पी कोटिंग करते थे कागज़ के अंदर या BOPP फिल्म लैमिनेट करते थे तो उस पैकेजिंग में पेपर 80% था या 90% था और सिर्फ 10-20% पॉलीमर कंटेंट था बट अब काफ़ी दुनिया में R&D हो रही है पॉली को कम्प्लीटली हटाने की हम खुद यहाँ अभी सक्सेसफुली कई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो ज़ीरो प्लास्टिक और ज़ीरो PE कोटिंग है उसमें लिक्विड होल्डिंग कैपेबिलिटीज़ है उस बिल्कुल फूड सेफ है हीट सीलेबल है
उसके आप पेपर कप्स बना सकते हैं, उसमें आप हॉट एंड कोल्ड फूड रख सकते हैं, उसको आप माइक्रोवेव में रख के हीट एंड ईट के लिए भी वो सूटेबल है। अफोर्डेबिलिटी की जो आप बात कर रहे थे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं कि हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए पैकेजिंग के अंदर, ये फूड सेफ्टी चाहिए, ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स चाहिए, तो जब हम उसकी प्राइस इवैल्यूएशन करते हैं एंड देन अगर हम कहते हैं कि हमको पी फ्री चाहिए, तो उसकी प्राइस इवैल्यूएशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स। अगर कोई प्रोडक्ट वो सारे पैरामीटर्स मीट करता है तो पेपर भी उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव है, बट इफ़ यू कंपेयर विद अ प्रोडक्ट जो उस पैरामीटर को मीट नहीं कर रहा है, तो देन यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, यू आर कंपेयरिंग अ चीप प्रोडक्ट, नॉट अ चीपर प्रोडक्ट। चीपर बाय डेफिनेशन इज के पैरामीटर सारे सेम है और फिर उसकी कॉस्ट कम है। चीप है कि पैरामीटर भी आपने चेंज कर दिया और प्राइस भी चेंज कर दिया, तो सस्ता तो बहुत कुछ मिल सकता है। बराबर है आपकी बात। रितेश जी, आप ये बताएंगे कि ये सब आप एमएमपी की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, सब जगह पे प्लास्टिक आ रही है। आप अभी हम देख दो साल से सुनते आ रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई मशीनें ले रहा है, तो उनको ये भय भी रहेगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे मेंबर्स के कि आप जरा इसका भी एक पूछना कि ये कैसे करें, अगर कुछ एमएमपी कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड तो प्लास्टिक ही रहेगा, तो ये गवर्नमेंट कब बदल जाए और क्या हो जाए, तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या हो। आई थिंक ये प्रश्न जो है इसके आंसर करने में काफ़ी घंटे लग सकते हैं, बट इसको मैं 2 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ। एक सीफ्लेक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड ओनर्स नेस्ले कह लीजिए आप, यूनिलीवर कंपनीज, मल्टीपैक जैसी, टेट्रापैक जैसी सारी कंपनीज मिलके इस प्रश्न के ऊपर काम कर रही हैं, इसके सॉल्यूशन के ऊपर, इम्पैक्ट कि क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट अगर सिर्फ पेपर यूज़ किया जाए वर्सेस रिन्यूएबल रिसाइकलेबल प्लास्टिक। तो आई थिंक ये एक डिस्कशन है ग्लोबल लेवल पे, ज़रूर इंडिया के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम रोड पे चलते और प्लास्टिक देखते हैं तो एज़ कंज्यूमर या इंडियन सिटीज़न, भारतीय होने के लिए थोड़ा हमें डर लगता है कि क्या होगा इस कंट्री का। लेकिन मैं कहूँगा जो मैं काफ़ी मीटिंग्स में गया हूँ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री कर रही है गवर्नमेंट के साथ, जो नॉर्म्स आए हैं वो कहते हैं कि 50 माइक्रोन से नीचे बैंड है उसके ऊपर अलाउड है। लेकिन एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है आ रहा है वो है एक EPR का, और EPR है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम श्योर आप इंडस्ट्री के जो मिठाई नमकीन के प्रोड्यूसर्स हैं इसके बारे में जानते होंगे, जिनको थोड़ी अगर इसमें ज़्यादा जानना है तो मैं ज़रूर उनको इंफॉर्मेशन दूंगा। EPR ये कहता है कि अगर आप जितना प्लास्टिक बनाते हैं या कंज्यूम करते हैं उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट को आप रीप्रोसेस करवाइए, रिसाइकल करवाइए और इसके सर्टिफिकेट्स लीजिए। बहुत अच्छी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, राइट, फंडेड बाय बेस्ट प्लास्टिक पेपर कंपनीज इंडिया में, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ प्लास्टिक का नहीं है, कुछ हद तक पेपर और सब चीज़ों का है। ये आप कह रहे हैं वो EPR का आपको पता ही होगा, जैसे हम ले रहे हैं किसी से प्लास्टिक तो आप पूछेंगे 35 रुपये आपका EPR रजिस्ट्रेशन है, अगर नहीं है तो हमसे कुछ पैसा ज़्यादा लेंगे वो लोग और वो डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ रितेश भी है, विजय भाई है, आपको किसी को भी पैकेजिंग के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई भी कोई आपकी क्वेरी है तो यहाँ आप पूछ सकते हैं, तो उनसे सीधा जवाब मिल सकता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट वुड यू थिंक आर द यूसेजेस फॉर टेट्रा पैक पैकेजिंग फॉर मिनरल वाटर इन इंडिया। फॉर वाटर टेट्रा पैक, Do you see that happening in the next few years? हाँ, पर उसमें टेट्रा पैक में भी प्लास्टिक तो रहता ही है, ऐसा नहीं कहते कि अगर प्लास्टिक की बोतल रिप्रेस करके हम पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। जिस तरह से हमारा कोई भी नमकीन का पाउच रहता है अंदर से वो मेटलाइज पाउच होता है, पॉलिएस्टर रहता है, इसी तरह से टेट्रा पैक भी उसी तरह से पैकिंग है। इसके लिए उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्लेस कर रहे हैं हम, वो कोई बेनिफिट नहीं है कोई ज़्यादा उसमें, और वो वैसे भी उसकी शेल्फ लाइफ के लिए जो है उसके लिए टेट्रा पैक करते हैं, जो उसको हाई प्रेशर मिल्क है या कुछ भी
फ्रूट जूस है कॉन्सेंट्रेशन करके उसको पैकिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है टेट्रा पैक. पानी के लिए उतना वो अहमियत नहीं है तो लगता नहीं है कि शायद उसके लिए कोई यूज़ कर रहे हैं. ओके थैंक यू सो मच. या गुड आफ्टरनून सर. आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट देयर सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट पैकेजिंग बट दैट डजंट कम टू न्यूअर प्लेयर्स लाइक अस. सो जस्ट वांटेड टू नो इज देयर अ फोरम वेयर वी कैन यू नो गो बैक टू एंड प्रॉब्ली लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यूअर टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग. एनी फोरम्स एनी हेल्प वीडियोज और यू नो एनीथिंग स्पेसिफिक दैट इज देयर दैट विल हेल्प अस. थैंक यू बैजू भाई, इट्स सो काइंड कि वो मेरे को अलाउ कर रहे हैं प्रश्न का जवाब देने का. सो आई विल ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश नाउ. सो आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग राइट और स्पेशलाइज्ड फोरम्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज लाइक आवरसेल्व्स. दिस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ इज अ फोरम वेयर वी डिस्कस ऑन इश्यूज इन द इंडस्ट्री. सो वी आर हियर टू शेयर आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सो आई वुड से दैट यू आर सीइंग सम ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री हियर on the dais, off the dais, please speak to them, right? And definitely, I think as a industry member, we will ask also the Federation of Mithai and Namkeen to maybe facilitate a forum for maybe upcoming companies and students who would like to know more and take the help from packaging institutes. So definitely, we will work on it. I think it's a great input and I think it needs to, we need to get the knowledge out and the experience out. So we will work more on it. Thank you. Thank you everybody. So hum session yahan pe okay. I would like to ask one question sir. This is Guru. Ritesh sir, I would say this session was very informative. I had a great learning opportunity. So I have two questions actually. So what are the challenges that you'll face while migrating from plastic to paper products as sir has told? And also I have one question. That is, what is the best things, what are the advantages and disadvantages of operating a business in 2020, given the social media, internet and everything? I did not get the second question. You have to please repeat. Yeah, that. My second question is, what is that one advantage and one disadvantage of operating a business in these scenarios? Like 2020, you have so much of internet, IoT and infrastructure. So I just like to know. So, just the first question, I think we tried to answer paper and plastic. I think the best combination for the future is a mixture of both the materials. This is a personal opinion. I think the industry is debating on it. Industry is working hard. There is no right, there is no wrong answer because every industry would like their answer to be the preferred answer. So, but I think it needs more work. As I said, organizing like C-Flex, global organization funded with a 100 million euro R&D is working on this. Indian companies are working on it. So as there are progresses, there are breakthroughs, they'll be announced by the paper industry, by the plastic industry, and we will share that. The second question is the opportunities and threat in today's business scenario 2020. I would say that I find nearly all companies expanding their businesses, right? Definitely there is a little bit of a negative approach because you know the industry faced GST, faced demonetization, faced plastic ban, these major questions over the last 2 years. So, but at the end of the day, you need to take a risk, you need to grow, and that is what this moment is. So I believe companies that grow at this point of time will reach phenomenal heights. This is not a time to be pessimistic. Believe in the Indian market, believe in India, and go ahead. We are here to support as much as possible. Thank you. Thank you. हम आपका क्वेश्चन आप पर्सनली ले सकते हैं. अभी टाइम बहुत हो गया है. थोड़ा क्वेश्चन है. ठीक है मिस्टर रितेश जी से. हाँ हाँ बताइए. आपने इसे एमईपी और वैक्यूम पैकिंग की जगह बारे बताया है तो जो छोटे स्वीट शॉप और जो मिठाई नमकीन बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ कितनी बढ़ेगी, कितना उसका टेस्ट में कुछ फ़र्क आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा उसकी और जानकारी देंगे तो थोड़ा सा हेल्प होगी हमारे लिए. सो कहीं बैजू भाई मुझे उतारना दें ऐसे कि काफ़ी टाइम लग रहा है. बट आई थिंक ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा एक नॉलेज शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री को. जो छोटे या छोटे नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जिनको स्टार्ट कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसमें बहुत ज़रूरत है कि आप पहले समझें कि हाइजीन क्या है, प्रोसेस कंट्रोल क्या है,
प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल, और उसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजीज आपको मदद करेंगी आपके अच्छे प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में. एक टाइम पे मशीन्स बहुत महंगी मिलती थी, आज मशीन्स की वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं, छोटी मशीन्स आ गई हैं, तो डेफिनेटली एक एंट्रेंट इस सेक्टर में पॉसिबल है. आज इसी शो पे बड़े सारे प्लेयर्स हैं जो अपने शोकेस कर रहे हैं, आप मल्टीवैक पे भी आइए और बाकी सारी कंपनीज भी है, हम इस पर आपको और समझाएंगे. जो हमने देखा है कि जैसे इंडिया में जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है एम्बियंट टेम्परेचर पे शेल्फ लाइफ की मिठाइयों की, तो जो ट्रायल्स हुए हैं काफ़ी कंपनीज के साथ वो 30 दिन से लेके 90 दिन तक इसको अचीव कर पा रहे हैं. अब ये कहना कि सिर्फ मशीन लेके क्या ये पॉसिबल है, ये झूठ है, दिस इज़ नॉट ट्रू. आप प्रोसेस कंट्रोल करिए इसमें हमारे साथ, और बाकी जो कंपनीज है बैजू भाई आपको सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, और डेफिनेटली एज ए इंडस्ट्री मिलके हम आपको सपोर्ट करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. लेकिन एक छोटा एग्जांपल, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ कि एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे काजू कतली कह लीजिए, पेड़ा का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा बिकॉज उस पर सर बोल सकते हैं आपको घंटों के लिए. जो पहले एक प्रोडक्ट 10-12 दिन तक रहता था वो आज इजीली 45 दिन से 90 दिन तक रह पा रहा है इस एनवायरनमेंट में, और उसमें सिर्फ श्रेय मैं कहूँगा फूड प्रोड्यूसर को जा रहा है जो समझ पा रहा है कि उनको क्या करना है, और वो है हाइजीन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. तो हम ज़रूर इस पर और बात करेंगे, बट आई थिंक कमे की थोड़ा कम, समय थोड़ा कम है, तो आप ऑफ द डाइस भी हम इसको बात करते हैं और ज़रूर हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. थैंक यू. तो विजय भाई, बैजू भाई से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बैजू भाई जी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे आप इंडस्ट्री के एक लीडिंग प्लेयर्स में देखे हैं, तो ऐसे मिठाई और नमकीन बेचने वाले और कंज्यूमर की तरफ से मैं चाहूँगा, जैसे कोई भी जैसे नमकीन है, अपन नमकीन को जब गरम गरम बनाते हैं तो आप उसको आप जैसे एक पीस खाएंगे तो उसका जो फ्लेवर और टेस्ट रहता है पैकेजिंग के बाद, आज जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बाद भी अपने को वो फ्लेवर वो टेस्ट उस टाइम का जो अरोमा रहता है अपने को नहीं मिल पाता है. तो मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कस्टमर को अपन ऐसा क्या करें कि जब वो गरम गरम अपन एक पीस खाते हैं खुद का अपना बना हुआ, तो वही टेस्ट उसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मिल सके. मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग बड़े प्लेयर कुछ काम करें ताकि कस्टमर को सेम टेस्ट उसको मिले. श्योर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर, इट वॉज अ वेरी अब्सॉर्बिंग सेशन. प्लीज गिव अ लाउड अप्लॉज फॉर दिस. आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर सुनील दत्त कथोरिया टू प्लीज कम ओवर एंड प्रेजेंट द मेमेंटो टू मिस्टर बैजू मेहता. सर सुखलाल साहू टू प्रेजेंट द मेमेंटो टू मिस्टर रितेश डिंगरा, एंड देर आफ्टर मिस्टर कुणाल जैन प्लीज कम ओवर फॉर मिस्टर विजय गुप्ता. मिस्टर बैजू मेहता, मिस्टर सुनील दत्त कथोरिया. A loud applause, please. Mr. Sukhlal Sahu to present to Mr. Ritesh Dhingra. Mr. Sunil Jain to present the memento to Mr. Vijay Gupta, please. Thank you very much, friends. Session 2 is concluding over here, and we.